हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एल प्लेट्स ऑन माय फुटबॉल शर्ट के क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन वन, द स्पीकर सेज व्हेन आई प्ले फुटबॉल फॉर द फुटबॉल टीम एट स्कूल, जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ अपनी फुटबॉल टीम के लिए, नो वन टेक्स मी सीरियसली, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता, दे थिंक आई एम जस्ट अ फूल, वो सोचते हैं कि मैं एक मूर्ख हूँ। डू यू थिंक इट इज़ लाइकली दैट पीपल थिंक ऑफ स्पीकर एज ए फूल, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्पीकर हैं, जो रीडर्स हैं, वो स्पीकर को एक पागल मूर्ख समझते हैं, ऐसा क्यों? येस इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल थिंक ऑफ स्पीकर एज अ फूल, हाँ ये मुमकिन है कि जो लोग हैं स्पीकर को एक पागल समझें, बिकॉज ही इज़ नॉविस एंड इज़ लर्निंग द गेम, क्योंकि वो एक नया है, ही के बाद इज़ लगा लेना, ठीक है, ही इज़, वो नया है और वो गेम को सीख रहा है। He also does some foolish things like kicking the referee. वो कुछ मूर्खतापूर्ण बातें करता है जैसे रेफरी को लात मारना and hitting people और लोगों को मारना। Underline the lines where the speaker is using exaggeration. इसको underline करना है जहाँ पर अतिशोक्ति, यानी कि किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है ना, उसको underline करना है हमने। The lines are, I have shin pads on my chin just in case I am fouled. ओके, ये जो अंडरलाइन है ये एग्जैजरेशन वाले हैं। माय शर्ट इज़ फुल ऑफ होल्स इनसाइड आउट एंड अपसाइड डाउन, यानी कि होल्स ही होल्स हैं मेरी शर्ट में। द लेसिस ऑन माय बूट्स आर नियरली 5 miles लॉन्ग, यानी कि मेरे जो बूट के जो फीते हैं वो 5 miles लंबे हैं, ठीक है ना, एग्जैजरेशन। आई नीड 2 weeks बिफोर रिच मैच सो आई कैन पुट देम ऑन, 2 हफ्ते चाहिए मुझे, ये एग्जैजरेशन है। द स्पीकर्स टीम आस्क्स हिम टू परफॉर्म सर्टेन रोल्स ड्यूरिंग द फुटबॉल मैचेस, अब जो स्पीकर की टीम है वो उसको कहती है कि अलग अलग रोल प्ले करे वो फुटबॉल टीम में। हाउ एवर ही डज समथिंग फनी इंस्टेंट, लेकिन वो कुछ मजाकिया करता है उसके बजाय। मैच द कॉलम्स, आपने कॉलम्स को मैच करना है, ठीक है, जैसे द टीम आस्क्स द स्पीकर टू, अब तो टीम कहती है, ठीक है, स्पीकर मतलब जो ये कविता हमें पढ़कर सुना रहा है, पोइम बता रहा है हमें, अब वो टीम उसको कहती है भाई एक स्वीपर बन जा, तो वो वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने लगता है, और वो टीम कहती है भाई शूट कर, वो ब्रिंग सम फायर आर्म्स, वो कुछ घर से वो फायर आर्म्स ले आता है, वो टीम कहती है भाई ड्रिबल कर, लेकिन वो कुछ लिक्विड गिरा देता है उनके ऊपर, ड्रॉप्स लिक्विड ऑन देम, अब टीम कहती है भाई बी ए विंगर, विंगर बन जा, वो टेक ऑफ उठने से मना करता है, वो कहती है मार्क कर, स्ट्राइक समवन इन द फेस एंड हिट, यानी कि इसके बजाय मार करने के बजाय वो उनके चेहरे पर मारता है और उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। फ्री किक, वो कहते हैं भाई फ्री किक है, स्ट्राइक द रेफरी विद फीट, लेकिन वो समझता है और रेफरी को अपने लातों से मारता है। बिल्ड अ वॉल, अब टीम कहती है भाई वॉल बिल्ड कर, दीवार बना, लुक्स फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, और वो वॉल यानी कि दीवार बनाने के लिए ईंट वगैरह ब्लॉक्स को ढूंढने लगता है। व्हाट डू यू थिंक इज़ अ स्पीकर टोन इन द पोएम, आपको क्या लगता है कि स्पीकर की क्या टोन है पोएम में? व्हाट वर्ड्स हैज़ अ स्पीकर यूज टू कन्वे दिस टोन, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया इस टोन को बताने के लिए? द स्पीकर टोन इज़ ह्यूमरस, उसकी जो टोन है बात करने का जो तरीका है वो है, वो मजाकिया है, ह्यूमरस है। द स्पीकर हैज़ मेड अप ऑन फुटबॉल बाई यूजिंग टर्म्स, स्पीकर ने फुटबॉल का मजाक उड़ाया है, कुछ जैसे टर्म्स होती है ना फुटबॉल में, जैसे विंगर, ड्रिबलिंग, स्वीपर, शूट, फ्री किक, बिल्ड अ वॉल, इनका गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, गलत तरीके से इनको बताकर, यूज इन द स्पोर्ट्स, ही हैज़ इंटरप्रेटेड दीज टर्म्स फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ मजाकिया, ठीक है ना, पोएम को मजाकिया बनाने के लिए उसने इस टर्म का किसी दूसरे रूप में यूज़ किया है। एज यू रीड द पोएम व्हाट मूड इज़ क्रिएटेड ऑन यू, जब आप कविता पढ़ते हो आपका मूड कैसा होता है, हाउ डज़ अ पोएट क्रिएट्स हिज मूड इन यू, इस तरह का मूड पोएट कैसे क्रिएट करता है? अ लाइट हार्टेड मूड इज़ क्रिएटेड, यानी कि हम खुश हो जाते हैं, हमारा जो दिल है हल्का हो जाता है इस पोएम को पढ़कर। एज वी रीड द पोएम वी फाइंड आवरसेल्फ स्माइलिंग बिकॉज ऑफ द फनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द फुटबॉल टर्म्स, जब हम कविता पढ़ते हैं तो हम हंसने लगते हैं जब फुटबॉल की टर्म्स को किसी दूसरी तरह से, यानी कि मजाकिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हम हंस पड़ते हैं। व्हेन द नैरेटर किक्स रेफरी एंड लुक्स फॉर ब्रिक्स टू बिल्ड अ वॉल,
जब वो नैरेटर को किक मारता है और वो दीवार बनाने के लिए वो ब्लॉक्स को ढूंढने लगता है, तो हम हंस पड़ते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।